2024 में अगर आप भी एक YouTube चैनल बनाए हो तो चैनल बनाने के बाद कौन कौन सा ऐसा सेटिंग है, इम्पोर्टेड सेटिंग है, जिस सेटिंग को आपको 100% करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप एक बार चैनल बना लिए, चैनल को नंबर से वेरीफाई करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, उसमें बहुत सारा सेटिंग होता है। जब तक इस सेटिंग को ऑन नहीं करोगे तब तक आपका यूट्यूब वीडियो सही तरीके से नहीं चलेगा और आपके यूट्यूब वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि YouTube चैनल बनाने के बाद उसमें कुछ बेसिक सेटिंग होते हैं, उस सेटिंग को ऑन करना पड़ता है, उस सेटिंग को करना पड़ता है, तभी आपके YouTube वीडियो पे व्यूज बढ़ता है, तभी आपका YouTube वीडियो सर्च लिस्ट में जाता है, तभी आपका YouTube वीडियो सजेस्ट में भेजता है, तभी YouTube आपके वीडियो का इम्प्रेशन भेजेगा। जब तक अगर आप ये 3-4 सेटिंग नहीं करोगे तब तक आपके वीडियो का इम्प्रेशन नहीं भेजेगा। अगर आपका वीडियो का इम्प्रेशन नहीं भेजेगा तो आपके वीडियो पे व्यूज कहाँ से आएगा, व्यूज भी नहीं आएगा ना। तो चैनल बनाने से काम खत्म नहीं होता है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज होता है चैनल का कौन कौन सा सेटिंग है, उस सेटिंग को करना सही तरीके से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आप लोग को दिखाते हैं 2024 में चैनल बनाने के बाद कौन कौन सा सेटिंग सही तरीके से आपको करके रखना चाहिए आप अपने चैनल में, तभी आपके चैनल पे या आपके वीडियो पे व्यूज बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाऊ सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नया YouTube चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट और बेहतरीन सेटिंग, इस सेटिंग को करना क्यों ज़रूरी है चलो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना होगा। गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे सर्च बार में YouTube.com लिख के सर्च कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पे हम YouTube.com लिख के सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, डेस्कटॉप साइड आपको सेटिंग प्रोफाइल पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अपने यूट्यूब के चैनल वाले प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चैनल का ऑप्शन आता है, चैनल सेटिंग का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे चैनल सेटिंग पर क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल के आता है। तो अब भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा सर्चिंग प्रोसेस लेगा, उसके बाद यहाँ से क्लियर कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ इस कोने पे देखोगे एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, इस सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन आता है, उसके बाद नीचे चैनल का ऑप्शन आता है। तो चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप जिस कंट्री से हो, मैं इंडिया से हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे है ना आपका चैनल का जो नाम है, चैनल से रिलेटिव आपको कीवर्ड लगाना होगा। ये कीवर्ड लगाने से क्या होता है, आपका चैनल सर्च लिस्ट में आ जाता है, सर्च में आता है। उसके बाद क्या करना है, अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल, इसमें दो ही ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद अगर इस वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीडियो अपलोड करने टाइम पे अगर ऊपर वाले पे अगर इस टिक को अगर ऊपर पे क्लिक करके रखोगे तो बच्चे के लिए कंटेंट है। अगर आप ये बीच वाले पे अगर क्लिक करके रखते हो तो बच्चा, बूढ़ा, सियान सब इसमें वीडियो सब देख सकते हैं। अगर ऊपर वाले पे अगर आप क्लिक कर दोगे वीडियो अपलोड करने के दौरान तो केवल आपके वीडियो बच्चे को दिखाया जाएगा। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, बीच वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, दो ऑप्शन मैं ये चीज़ दिखा दिया। उसके बाद इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको चैनल को नंबर से वेरीफाई करोगे तो डन हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर वाले डन रहता है, इसको चैनल से नंबर से वेरीफाई करोगे ये डन रहता है। ये इसको है ना यहाँ पर देखिए, ये भी आपको क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो आईडी वेरीफाई, यानी आईडी से वेरीफाई करना होगा। आईडी से वेरीफाई करने से क्या होता है, आपका यूट्यूब चैनल हैक होने का खतरा नहीं रहता है। तो इसमें इतना हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, अपलोड डिफ़ॉल्ट, अपलोड डिफ़ॉल्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, अपलोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले जो कैटेगरी आता है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। इस पर आपको क्लिक करके जिस लैंग्वेज में आप वीडियो बनाते हो, जैसे आप हिंदी में वीडियो बनाते हो तो हिंदी लैंग्वेज पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे फिर से ऑप्शन आता है, फिर से आपको क्लिक करके हिंदी में अगर आप वीडियो बनाते हो तो हिंदी लैंग्वेज पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, यानी ऑन ऑफ का आता है, अगर आपके ऑप्शन ऑफ पे रहेगा इसको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे, जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे
इस एरो पे क्लिक करोगे दो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैटेगरी, कैटेगरी पे आपको क्लिक करके जिस कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हो उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्यों? क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम में तभी जाएगा जब तक आप अपने YouTube वीडियो के लिए एल्गोरिथम नहीं सेट करोगे। अगर आप अपने YouTube वीडियो के लिए एल्गोरिथम सेट नहीं करोगे तब तक आपके वीडियो YouTube एल्गोरिथम में नहीं जाएगा। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है YouTube वीडियो का कैटेगरी सेट कर चूज करना। जब कैटेगरी आपको नहीं पता है तो कैटेगरी वाले वीडियो देख लेना होगा, 100% आपको पता चल जाएगा, हमारे चैनल में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया। तो YouTube चैनल में खोलने के बाद इतना ही सेटिंग रहता है, इससे ज़्यादा कोई भी सेटिंग नहीं रहता है। इतना सेटिंग करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग आपको नहीं करना होगा। किसी भी बड़े यूट्यूबर बोलो या छोटा यूट्यूबर बोलो, इससे ज़्यादा कोई भी नया यूट्यूब चैनल में सेटिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं YouTube से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ या किसी भी सोशल मीडिया से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप अपना राय कमेंट में ज़रूर हमें भेज सकते हो, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।